आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, श्रीमती ओमिता पॉल, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, राष्ट्रपति जी के कार्यकाल का आज 4 वर्ष पूर्ण होने पर मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके 4 साल के कार्यकाल में अधिक समय मुझे आपके साथ प्रधान रूप मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला। मैं दिल्ली की दुनिया में नया था, इस सारा माहौल मेरे लिए नया था। ऐसे समय राष्ट्रपति जी ने एक गार्डियन की तरह, एक मेंटर की तरह बहुत से विषयों पर मुझे उंगली पकड़ करके चलाया। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है। आज यहाँ कई ग्रंथों का लोकार्पण हुआ, मैं किताब नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथ कह रहा हूँ। मैं ग्रंथ इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें वो चीजें समाहित हैं जो कल्पना के दायरे से नहीं, इतिहास के जरोखे से निकली हुई है। और जो चीजें इतिहास के जरोखे से निकलती हैं वे आने वाली पीढ़ियों के मन मंदिर में एक अमिट छाया छोड़ करके जाती है। और उस अर्थ में ये जो प्रकाशन है वो प्रकाशन इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं इस कार्य के लिए राष्ट्रपति जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी म्यूजियम देखने का सौभाग्य मिला, श्रीमान घोष का इतना उत्साह था कि अगर अमिता जी ने रोका न होता तो शायद हम रात को 11 बजे यहाँ आते। और आप में से जिसको भी इस म्यूजियम को देखने का समय मिले, मैं आग्रह करूंगा पूरा दिन निकाल करके आइए। इतनी बारीकियां हैं, इतनी विविधता है, और इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास है। ये ऐसा म्यूजियम है जहां इतिहास, कला, कल्पना शक्ति और टेक्नोलॉजी, ये चारों का मिलन है। और इसलिए जो भी इससे जुड़ेगा वो इन चारों के माध्यम से इतिहास को जी सकता है। सिर्फ इतिहास को जान सकता है ऐसा नहीं, वो कुछ पल के लिए इतिहास को जी सकता है। और इस अर्थ में मैं समझता हूं कि जिस वैज्ञानिक तरीके से, जिस रिसर्च के साथ और जो कलात्मक रूप से उसका प्रेजेंटेशन किया है, उसके लिए श्रीमान घोष और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति जी ने भारत के जीवन में तो बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक लंबा कार्यकाल रहा है उनका सार्वजनिक जीवन का, लेकिन 4 साल की अल्पावधि में आपने राष्ट्रपति भवन को भी बहुत कुछ दिया है। एक प्रकार से राष्ट्रपति भवन सामान्य मानवी को, इतिहास को और भारत के सर्वोच्च स्थान को
एक प्रकार से उन्होंने मिलन बिंदु बनाया है और ये अपने आप में आपका बहुत बड़ा योगदान इस परिसर के संदर्भ में मैं देख रहा हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड अलग है, राष्ट्रपति जी का राजनीतिक बैकग्राउंड अलग है, लेकिन लोकतंत्र में भिन्न विचार प्रवाहों से पले बड़े व्यक्ति भी किस प्रकार से कंधा मिलाकर के काम कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति जी के पास रह करके हर पल हम अनुभव कर सकते हैं। भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कई राज्य ऐसे होंगे कि जिनको शायद भारत सरकार की कुछ योजनाओं को लागू करने में या लागू किए तो बोलने में थोड़ा झिझक रहती होगी। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं ये राष्ट्रपति भवन परिसर, ये भी एक छोटा सा गांव है, 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, इस गांव के रूप में उन सारी योजनाओं को यहाँ लागू करने का प्रयास हुआ है। चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, वाटर कंजर्वेशन की बात हो, एनवायरमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स हो, हर चीज को, डिजिटल इंडिया, तो यहाँ डिजिटल राष्ट्रपति भवन, एक प्रकार से भारत सरकार की सारी योजनाओं को मिनिएचर रूप में यहाँ पर लागू करने का भरपूर प्रयास राष्ट्रपति जी ने किया है। किसी और दल के व्यक्ति की सरकार हो, उसके बावजूद भी उस सरकार के कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के भी कार्यक्रम बनने चाहिए, ये ऊंचाई आदरणीय प्रणव दा ही दिखा सकते हैं और इसलिए मैं उनका हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है और इतिहास जीवन को एक जड़ी बुट्टी के रूप में काम आता है। जो इतिहास को भूल जाते हैं वे एक प्रकार से जीवन के रसकस को खो देते हैं। मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं पत्थर से ही अलंकृत होती हैं, लेकिन सालों तक अनेक लोगों की भक्ति से वो भगवान का रूप धारण कर लेती है। ऐतिहासिक स्थानों के हर पत्थर, उस पत्थर का भी अपना एक इतिहास होता है, हर पत्थर चीख चीख करके बीते हुए कल की बात बता करके आने वाले कल के लिए रास्ता दिखाने की ताकत रखता है, लेकिन आवश्यकता होती है उस पत्थर को भी सुनने के लिए सामर्थ्य पैदा करने की। इस म्यूजियम के द्वारा पत्थर को बोलने की ताकत दी गई है, हम उसे सुनने की ताकत लें और नई आने वाली पीढ़ी को कुछ पाने देने के लिए एक नया सामर्थ्य प्राप्त करें। मैं फिर एक बार इस प्रयास के लिए सबका अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रपति जी का फिर से एक बार 4 वर्ष पूर्ण होकर के अगले वर्ष के लिए हम सबको बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन मिले, इसके लिए अपेक्षा करते हुए, प्रेरणा के लिए आभार व्यक्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।